जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी वांट के इस नए वीडियो में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके इस चैनल पर टेक्निकल नॉन टेक्निकल जितने गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी आती है दोस्तों, या फिर योजना होता है, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको अपने इस चैनल पर मिलता है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर अपडेट डालूं, कोई भी अपडेट आए तो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन जो है पहुंच जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, यहां पर मैं जो है इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी आ रही है दोस्तों, यहाँ पर नॉन एक्सक्लूसिव की वैकेंसी है, यहाँ पर 513 पोस्ट के लिए। जो दोस्तों, इससे रिलेटेड जानकारी मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एक करके डिस्क्राइब करूँगा दोस्तों, और आप लोग को आसानी से बहुत ही सरल भाषा में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा दोस्तों। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे जो है दोस्तों एनर्जी आता है और मैं आप इंस्पायर होता हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाने के लिए दोस्तों, वीडियो बनाकर। तो दोस्तों, यहां पर जो है HURL नॉन एक्सक्लूसिव ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आपके लिए जारी हो चुका है। यहाँ पर 5 तारीख को इसका पोस्ट अपडेट जो है वो निकल कर आ रहा है, यहाँ पर 513 पोस्ट के लिए। यहाँ पर दोस्तों हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड की तरफ से ये जो है आपका जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के लिए, यहाँ पर स्टोर असिस्टेंट, अलग अलग यहाँ पर नंबर्स ऑफ वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी जो है निकल कर आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है आप लोग के लिए एप्लीकेशन फ़ी जो है वो आपका यहाँ पर 300 रुपया चार्ज किया गया है हर एक कैंडिडेट के लिए दोस्तों, और ये फॉर्म फी है जो आप इसको सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं, तो आपका 3 अगस्त से जो ये इसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है और 16 अगस्त तक जो है दोस्तों आप इसको आसानी से फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। यहाँ पर ये जो है दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो वैकेंसी नंबर 1 से लेके आपका 16 तक, 22 और 23 के लिए, और 21 के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग आपने किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पर 17 से लेके 21, 24 और 27 और नंबर 21 नंबर पोस्ट के लिए यहाँ पर दोस्तों जो आपने बीए या फिर बीएससी या फिर बीकॉम किया हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर अलग अलग, यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपका पोस्ट जो है वैकेंसी नंबर और इसका दोस्तों डिसिप्लिन और नेम ऑफ पोस्ट यहां पर टोटल जो है वो सब आपका साफ साफ डिस्क्राइब किया हुआ दोस्तों, तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां पर आपका, यहां पर जो है दोस्तों केमिकल के लिए जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट का पोस्ट है, आपका 39 पोस्ट है यहां पर दोस्तों। अगर आपका एज लिमिट है 25 तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैकेनिकल के लिए दोस्तों यहाँ पर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के लिए है, आपका 21 पोस्ट है यहाँ पर और 25 साल के अगर आप हैं तो भर सकते हैं इस फॉर्म को। इलेक्ट्रिकल के लिए दोस्तों यहाँ पर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट का पोस्ट है, यहाँ पर 15 पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पर 25 साल एज यहाँ पर लिमिट की बात की गई। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी दोस्तों जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट का पोस्ट है, यहाँ पर 15 पोस्ट है इसका दोस्तों, 25 साल के हैं तो आप भर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों अमोनिया के लिए यहाँ पर दोस्तों जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 2 और जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 45 पोस्ट है, यहाँ पर 30 साल और 35 साल आपका एज लिमिट जो है यहाँ पर रिक्वायर्ड किया गया है दोस्तों। यहाँ पर यूरिया की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 2 और 1 के लिए यहाँ पर भी पोस्ट है दोस्तों, 15 और 30 यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, 30 और 35 साल इसका भी एज लिमिट है दोस्तों। यहाँ पर यूटिलिटी डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, ऑफसाइट और यूटिलिटी में यहाँ भी जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 2 और असिस्टेंट 1 के लिए यहाँ पर 15-30 वैकेंसी हैं और 30-35 साल आपका यहाँ पर, जैसा कि फर्स्ट का यहाँ पर देख सकते हैं। मैकेनिकल के लिए यहाँ पर असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट और इंजीनियर असिस्टेंट की बात की गई है वैकेंसी में, यहाँ पर जूनियर इंजीनियर में यहाँ पर 33 पोस्ट है और असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जो है इंजीनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 36 पोस्ट है, 30 साल और 35 साल यहाँ पर आपका एज लिमिट की बात की गई है। इलेक्ट्रिकल के लिए इसी तरह से आपका भी सेम पोस्ट है दोस्तों, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट का पोस्ट है यहाँ पर, 21 और 18 वैकेंसी है आपका यहाँ पर, 30 और 35 साल की बात की गई है। मोस्ट ऑफली यहाँ पर दोस्तों इंस्ट्रूमेंटेशन और स्टोर कीपर की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, तो सेम एज इट इज़ वैकेंसी आपका जूनियर स्टोर असिस्टेंट का और यहाँ पर स्टोर असिस्टेंट का पोस्ट है आपका, 3 और 6 पोस्ट है,
30 और 35 साल है। यहाँ पर स्टोर असिस्टेंट 2 के लिए यहाँ पर 40 साल आपका एज लिमिट है, थोड़ा सा बढ़ा दिया। फाइनेंस एंड अकाउंट की बात कर लेते हैं तो आपका जो है यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट और अकाउंटेंट असिस्टेंट की बात की गई है। यहाँ पर पोस्ट है आपका 6 और 6 पोस्ट दोनों के लिए, दोनों में 6-6 पोस्ट है और 30 से 35 साल आपका एज लिमिट यहाँ पर है, 30 और 35 साल दोनों के अंदर है। यूरिया प्रोडक्ट हैंडलिंग के यहाँ पर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट 1 यहाँ पर 15 पोस्ट है दोनों के अंदर और आपका एज लिमिट जो है क्रमशः यहाँ पर 30 और 35 की बात की गई है। यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इन्वायरमेंट क्वालिटी एंड कंट्रोल लैब, यहाँ पर जूनियर लैब असिस्टेंट और असिस्टेंट लैब की बात की गई है। 18 वैकेंसी दोनों के अंदर है और आपका यहाँ पर 30 और 35 साल एज लिमिट की बात की गई है दोस्तों। इसी तरह से आपका क्वालिटी एश्योरेंस और इंस्पेक्शन का यहाँ पर जो है पोस्ट है, तो यहाँ पर दोस्तों जूनियर क्वालिटी असिस्टेंट और क्वालिटी असिस्टेंट के लिए 6 पोस्ट है यहाँ पर, 30 और 35 साल यहाँ पर लगातार जो है आप लोग का अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है सारा का सारा, और भी आप खुद आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो है एप्लीकेशन जो है यहाँ पर आपका आवेदन होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर ऑनलाइन पर आवेदन क्लिक करके आप खुद आवेदन जो है वो कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है सारा का सारा आपको इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करवा दिया गया है दोस्तों। आप यहाँ पर जो है, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा दोस्तों और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से जितने भी अपडेट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आता है तो आप तक पहुँच जाए। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।